केंद्रीय शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी एक्सीडेंट को लेकर विवाद में अब घिर गई हैं। शनिवार की शाम मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक हादसा हुआ था। आरोप है कि स्मृति के काफिले की गाड़ी ने बाइक सवार डॉक्टर रमेश नागर और उनकी बेटी संदीली को टक्कर मारी। हादसे में डॉक्टर की मौत हो गई, 12 साल की बेटी संदीली को चोट लगी। संदीली ने आरोप लगाया है कि स्मृति ईरानी से उसने मदद मांगी, तब तो स्मृति ईरानी ने इनकार कर दिया और अपनी कार में बैठकर चली गई। स्मृति ईरानी ने मदद नहीं की। कल हम एक शादी में जा रहे थे और नोएडा एक्सप्रेस वे पे, जिसपे हमारी बाइक बहुत ही कम स्पीड पे चल रही थी, लेकिन पीछे से किसी गाड़ी वाले ने टक्कर मारी, जो कि एक इंडस्ट्री की स्मृति ईरानी की ही गाड़ी थी। और मैंने वहां पे वो हमारी गाड़ी स्लिप हो गई, तो मैंने वहां पे उनसे मदद भी मांगी थी, लेकिन उन्होंने मदद के लिए साफ मना कर दिया। उन्होंने बोला कि मदद तुम्हें बाद में मिल सकती है। काफी सारी गाड़ियां आके टकराई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्मृति ईरानी खुद को कोई प्रॉब्लम हुई हो। अगर वो चाहती तो वो हमारी हेल्प कर सकती थी और हेल्प करती तो आज हमारे पापा हमारे बीच में होते। रमेश नागर का शव काफी देर तक बीच सड़क पर पड़ा रहा, बाद में किसी और कार से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया।